नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तर वासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस आपको दिखा रही है नासिक दर्शन सीरीज़, और नासिक दर्शन सीरीज़ का ये मेरा भाग 6 है, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसे ग्राम के बारे में आपको बताऊँगा जहाँ पे ना कि कोई ताला लगाता है, क्योंकि वहाँ पे दरवाजे ही नहीं होते और ना ही वहाँ पे कोई चोरी होती है। अगर कोई चोरी हो भी गई तो चोर वापस सामान ला के छोड़ देता है। और भी कई सारी लोक मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे मिथक जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मतलब कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ शनि सिंगनापुर के बारे में, जो भगवान शनि का एक धर्मस्थल है, एक मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों को, जो कि मराठवाड़ा क्षेत्र में, जो कि महाराष्ट्र के कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो इन सबको मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये मेरा शनि सिंगनापुर का भाग 6। दोस्तों शनि सिंगनापुर की इस मेरी नासिक सीरीज में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यात्रा शुरू होती है सुबह सुबह 7 बजे, जब शिरडी से साईं भक्त निवास से मुझे गाड़ी मिलती है और मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जो ये मेरी यात्रा है, मेरी चौथी शनि सिंगनापुर यात्रा है, और हर बार चारों बार अप्रत्यक्ष रूप से जो मेरी यात्रा हुई है काफ़ी शानदार तरीके से हुई है, इसलिए मेरा काफ़ी विश्वास है इस स्थल पे। तो आपको बता दूं कि जो यह शनि सिंगनापुर है, यह महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर ज़िले में पड़ता है और शिरडी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। शिरडी भी अहमदनगर ज़िले में पड़ता है। इस स्थान के लिए निकटस्थ एयरपोर्ट जो है औरंगाबाद है, साथ में पुणे और मुंबई भी पास के एयरपोर्ट हैं। रेलवे स्टेशन देखेंगे तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन राहुरी या बेलापुर है, लेकिन बड़ा रेलवे स्टेशन अगर है तो अहमदनगर और औरंगाबाद ही बड़े रेलवे स्टेशन हैं। सड़क मार्ग से महाराष्ट्र के विभिन्न नगरों से जुड़ा हुआ है, आप कहीं से भी चाहें तो यहाँ आ जा सकते हैं। शनि सिंगनापुर मराठवाड़ा क्षेत्र में अहमदनगर ज़िले में एक छोटा सा ग्राम है और काफ़ी धन धान से भरपूर क्षेत्र है ये मराठवाड़ा। मुख्य उपज गन्ना की ऐसे लग रही है, क्योंकि गन्ने की गाड़ियां काफ़ी दिख रही हैं जाते हुए, और कई सारी शुगर फैक्ट्रियां भी हैं। शनि सिंगनापुर में भी 2-3 शुगर फैक्ट्रियां हैं, काफ़ी धन धान से भरपूर इलाका है। तो मैं आपको बता दूं कि शनि सिंगनापुर जो स्थान है उसके बारे में ऐतिहासिक मान्यता ऐसा है कि कुछ चारवाहे एक बार गायों को चरा रहे थे और रास्ते में उन्हें कोई मतलब खोदने से कोई पत्थर प्राप्त हुआ, उसकी स्थापना उन्हें स्वप्न आने पर शनिदेव ने स्वप्न दिया और उन्होंने उसकी खुले में स्थापना कराई। उसके लिए कोई मंदिर बनाने के लिए आदेश शनिदेव ने नहीं दिया था, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कई बार प्रयास हुए हैं मंदिर बनाने के लिए लेकिन विफल हुए हैं। शनिदेव का ऐसा आदेश है कि खुले आकाश के नीचे रहेंगे, इसलिए यहाँ पे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। मैं पहली बार जब आया था तो उस समय पे यहाँ पे ऐसा नियम था कि धोती पहन के ही जाना है, और जो धोती आप पहन के जाएंगे उसका त्याग आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ की कोई भी वस्तु आप यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते थे। तिल्ली का तेल और जौ आदि चढ़ाई जाती है, वो यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो आपको देंगे। कुछ छोटे मतलब छोटी छोटी मात्रा में दिया जाता है, सबका अलग अलग मूल्य रहता है। अभी नियम बदल चुके हैं, 2010 में कुछ सरफिरी औरतों के द्वारा बहुत सारे यहाँ पे प्रदर्शन किए गए, उसके कारण से महिलाओं का घुसना यहाँ पे जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो गई है, और महिलाएं भी घुस सकती हैं पर मूर्ति को छूने की आज्ञा महिलाओं को नहीं है, जो कि यहाँ पे सिर्फ पुरुष ही मूर्ति तक छू सकते हैं। तो दोस्तों जो सामने आप देख रहे हो ग्रामीण भारत का एक अद्भुत दृश्य है, और यह आपको महाराष्ट्र में देखने को ही मिलेगा। महाराष्ट्र में विशेषकर मराठवाड़ा क्षेत्र में, नासिक, शिरडी, अहमदनगर, आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसे रसवंती कहते हैं और जगह जगह इसके स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। एक प्रकार का कोल्लू होता है जिसमें कि गन्ने का रस पेरा जाता है। प्राचीन काल में इसी तरीके से गुड़ बनाया जाता था, अभी वर्तमान में गन्ने का रस निकाला जाता है और जिसे कि पर्यटकों को आने जाने वाले मुसाफिरों को दिया जाता है, जो आपके तन को तरोताज़ा कर देगा, मन में एक स्फूर्ति लाएगा, मिठास और ठंडक तो है ही, साथ ही एक ऐसी स्मृति है, कभी ना भूलने वाली स्मृति भी आपको दे जाता है, जिसमें कि आप एक क्षेत्र को समझते हैं, ग्रामीण भारत को समझते हैं। तो चलिए इसे तो देखते हुए आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना खेती हो रही है, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और चारों तरफ जो स्प्रिंकलर से जो पानी फेंक रहा है वो सब अच्छा लग रहा है देखने से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाड़ी लेके और चलते हैं शनि सिंगनापुर की ओर, और भी दिखाता हूँ मैं आपको जो इस क्षेत्र में मैंने देखा और महसूस किया।
दोस्तों अब हम सनी सिंगनापुर पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर दूर होगा। और शानदार जो ग्रीनरी दिख रही है, जो लैंडस्केप है, बहुत सुंदर है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, और लगभग यहाँ पे जब मैं पहली बार आया था तो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं था, थोड़ा ग्रामीण इलाके देखने को मिल रहे थे, वो इस बार नदारद हैं, वही अर्ध शहरीकरण देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आज उद्धव ठाकरे की कोई सभा हो रही है, काफ़ी भीड़ जुटी हुई है। रास्ते में देखिए गाड़ी वाड़ी खड़ी हैं और भीड़ भी ठीक ठाक है, और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें वोट कितना मिलेगा, जीतेंगे क्या है, लेकिन भीड़ तो अच्छी है। चलिए हम सनी सिंगनापुर लगभग लगभग एंटर हो रहे हैं, और सनी सिंगनापुर एंटर होने से पहले शुगर फैक्ट्री कई सारी पड़ती हैं, उसके बड़े बड़े मैदान हैं जहाँ पे कि बहुत सारी बैलगाड़ियाँ और ट्रैक्टर आदि खड़े रहते हैं, और गन्ना लाके इनके द्वारा यहाँ पे गन्ने के रस से शुगर बनाई जाती है, शक्कर बनाया जाता है, जो पूरे भारत में सप्लाई होता है। काफ़ी बड़ा शुगर बेल्ट है ये, और हम सनी सिंगनापुर लगभग पहुँच चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ सनी सिंगनापुर मंदिर और कुछ और जानकारी बताता हूँ। देखिए सामने जो मैं शुगर फैक्ट्रियों की बात कर रहा था, वैसे एक शुगर फैक्ट्री है, काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन है यहाँ शक्कर का आसपास के क्षेत्र में, और इसलिए गन्ना भी उपजाया जाता है, और खेती भी बहुत ही उन्नत दर्जे की है। कोदारी नदी का पानी इस धनधान संपूर्ण संपन्न एरिया है। और सनी सिंगनापुर में जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको कई सारी दुकानें मिलेंगी जो कि आपको तेल और प्रसाद आदि उपलब्ध कराती हैं, और बहुत ज़्यादा तो ऐसा लूट पाट वाला कोई मामला नहीं है, पर रेट कुछ ज़्यादा रहते हैं, कुछ कम रहते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी क्षमता अनुसार उन जो भी प्रसाद है उनको आदि ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ का प्रसाद वापस नहीं ले जाया जाता, इसलिए जो भी प्रसाद आप लेंगे सब वहाँ चढ़ जाएगा, और उसके बाद जो भी है प्रसाद उसको वहीं पर खा के ख़त्म करना रहता है, इसलिए यहाँ का प्रसाद वापस नहीं ले जाया जाता, ऐसी मान्यता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि विशेष पंडितों द्वारा बताई जाती हैं, उन्हें ले जाके घर वर में जैसे लगाया जाता है शनिदेव के प्रतीक के रूप में। तो आपको बता दूं कि भारत में अभी जो है हर जितने भी प्रमुख मंदिर हैं सब जगह कॉरिडोर निर्माण चल रहा है जब से मोदी जी की सरकार आई है, और उसी तारतम्य में सनी सिंगनापुर में भी कॉरिडोर बनाया गया जो अल्प चर्चित है, लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी सुंदर कॉरिडोर बनाया गया। उसी कॉरिडोर से होते हुए हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, आपको बताता हूँ मंदिर दिखाता हूँ, क्योंकि सनी सिंगनापुर में फोटोग्राफी या मोबाइल कैमरा आदि चलाने में कोई प्रतिबंध नहीं, इसलिए मैं आपको भगवान के भी दर्शन कराऊँगा, उस जो शिला है उसके दर्शन कराऊंगा, दिव्य शिला के जिसका पूजन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ आपको भगवान शनि की दिव्य शिला जिसका पूजन होता है, और किस प्रकार लोग पूजन करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे सामने है शनि देव का की दिव्य शिला। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सूर्यपुत्र शनिदेव की जय जयकार करिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिए। तो चलिए आगे आपको बताता हूँ भगवान शनिदेव के इस शिला के बारे में, और देखते हैं किस प्रकार यहाँ पूजन होता है। सामने जो आप शिला देख रहे हैं भगवान शनिदेव की दिव्य शिला है, इसी विग्रह का पूजन किया जाता है, और जब आप शिला के पास जाकर पूजन करके अनुमति आपको मिलती है तब आपको जो भी वस्त्र आप पहने रहते हैं उसका त्याग यहीं पे करना होता है, इसे आप सनी सिंगनापुर से बाहर नहीं ले जा सकते। मंदिर प्रशासन द्वारा बाहर में एक पात्र की व्यवस्था की गई है जिसमें आप अपने तिल्ली के तेल और आदि जो चढ़ाने के लिए तिल्ली या जौ आदि दिया जाता है उसे वहीं पे आप अर्पण कर देते हैं, और वो पात्र के द्वारा भगवान शनिदेव के ऊपर अनवरत गिरते रहता है, इससे आपका भी योगदान भगवान शनिदेव के ऊपर पहुँच जाता है। तो इस तरह से पूजा होता है। आगे जब आप कॉरिडोर में जाएंगे तो बर्फी का प्रसाद मिलता है, उसका आप भोग लगा सकते हैं, उसे पूरा वहीं खाना होता है। उसके बाद आप जो बाहर में कॉरिडोर बना हुआ है खूबसूरत कॉरिडोर, वहाँ पे जाके नवग्रह के स्थान अलग अलग बनाए गए हैं, बड़ा सा एक स्तंभ बना हुआ है उसके दर्शन कर सकते हैं, अधिकतर फोटोग्राफी आदि लोग वहाँ करते हुए पाए जाते हैं। नीचे तालाब नुमा आकृति बनी है, वहाँ पे जाके आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं या कुछ समय तक आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, दर्शन के पश्चात भोग आदि जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ, इस सीरीज़ की अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, सीरीज अनवरत जारी रहेगी।